जिंदगी जितनी भी खूबियां आपके दिमाग में आती है उन तमाम खूबियों को अगर आप एक मिट्टी की मूरत में पिरोए तो एक ही छवि बन के आएगी। जी हाँ, और उनका नाम होगा वीर दामोदर दास सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर, जिनका नाम सुनते ही हमारा सर आदर और सम्मान के साथ झुक जाना चाहिए, वही उन तमाम लोगों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर हमारे से हमारा हीरो, हमारा नायक छीन लिया और हमें ऐसे पुरुषार्थहीन और दोगले नायक थमा दिए जिनके बारे में हम बात करते नहीं थकते। लेकिन आज न्यूज 19 के इस खास प्रोग्राम इतिहास गवाह में आज हम ऐसे इतिहास पर प्रकाश डालेंगे जिसके बाद आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या हम जिन्हें नायक मानते हैं वो असल में नायक है या ऐसे नायक जिन्हें धूमिल कर दिया गया, प्रश्नचिन्ह में कैद कर दिया गया। जी, आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में वीर सावरकर की। वीर सावरकर वो है जिनके अस्तित्व पे प्रकाश डालना बेहद जरूरी है। जी हाँ, बात करें अगर हम वीर सावरकर की तो सबसे पहले उनका परिचय होगा उनकी उन 60,000 लिखी गई कविताओं से जो उन्होंने काला पानी के दौरान माँ भारती के गुणगान में लिखी थी। जी हाँ, उन्होंने 60,000 कविताएं लिखी, ना कि कलम और कागज पे नहीं बल्कि जेल की उन दीवारों पर जहाँ उन्हें काला पानी की सजा दी गई। आज हम जानते हैं सबसे पहले कि कौन है वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, नेता, समाज सुधारक व विचारक के साथ साथ एक वकील, लेखक और नाटककार भी थे। ये महज एक संजोग नहीं, लेकिन आज तक कोई भी क्रांतिकारी में इतने गुण नहीं पाए गए। लेकिन उसके बाद भी आज भी जब भी वीर सावरकर का नाम आता है तो हमारे जहन में आदर सम्मान की जगह प्रश्न चिन्ह आता है। ये हमारे साथ और हमारे जनरेशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ जिसके बाद वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी को प्रश्न चिन्ह में कैद कर दिया गया। आपको बताएं कि वीर सावरकर का जिक्र जब भी होता है तो काला पानी का जिक्र जरूर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर काला पानी की सजा क्यों थी और क्यों सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। काला पानी, धरती पे अगर कहीं नर्क है तो उसे काला पानी कह सकते हैं। सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार पे बनाया गया ब्रिटिश राज के द्वारा क्रांतिकारियों को प्रताड़ित करने का एक ऐसा जेल जिसे नर्क से कम नहीं कहा जा सकता। सावरकर खुद अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जेल के अंदर उन्हें महज चारों तरफ पानी के बीच बनी एक जेल में कैद किया जाता था। उसे सेल्यूलर जेल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां हर एक कैदियों के लिए अलग बैरक्स होते हैं। उन्हें एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रखने दिया जाता। यहां तक कि भीषण गर्मी में उन्हें पूरे दिन में महज सिर्फ 2 कटोरे पानी से गुजारा करना पड़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें करीब 30 पाउंड नारियल का तेल कोल्हू में निकालना पड़ता था। और अगर उस भीषण गर्मी में अगर आप रुक गए तो पीछे खड़े अंग्रेज के सैनिक आप पे कोड़े बरसाते थे, आपको मारते थे, पीटते थे, बेड़ियों से जकड़ के रखा जाता था। ऐसे जेल में हमेशा 30 डिग्री के कैदियों को रखा जाता है जिसे डेंजरस कैदियों की श्रेणी में रखते हैं। वीर सावरकर को अंग्रेज इस कदर तोड़ना चाहती थी कि उन्होंने उसे वाइली के कत्ल के इल्जाम में, जिनमें उनका कोई किरदार भी नहीं था, फिर भी उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सावरकर को मिली थी काला पानी की सजा। जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उसी वक्त लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी जाती है और यह हत्या किया जाता है मदनलाल बागर। स्वतंत्रता के उस दौर में, लड़ाई के उस दौर में जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता की लड़ाई में जूझ रहा होता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता के उस दौर में वीर सावरकर को सजा इसलिए मिलती है क्योंकि कहीं लंदन में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी और जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान, सारे कुछ हिंदुस्तानी भी इस हत्या की निंदा कर रहे थे, कुछ बड़े बड़े नेता इसे गलत ठहरा रहे थे, वहीं सरेआम वीर सावरकर ने डंके की चोट पे मदनलाल ढींगरा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान कभी भी गुलाम नहीं रहा और अगर किसी ने हमें गुलाम बनाया तो ऐसे लोगों की हत्या कर देने में कोई बुराई नहीं है।
जब ब्रिटिश सरकार ने उनकी ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि ये ऐसा क्रांतिकारी है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये क्रांति की आग को इस कदर फैलाएगा कि उन्हें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी डर से, क्योंकि सरकार आपकी, अखबार आपका, जो चाहे आप फैसला सुना दो, बिल्कुल इसी के तहत करजन वाइली की हत्या में दामोदर सावरकर को ना किसी गुनाह के भी उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। आपको बता दें कि उम्र कैद की सजा उन्हें हिंदुस्तान में काटनी थी, इसीलिए लंदन से उन्हें गिरफ्तार कर हिंदुस्तान लाया गया। हिंदुस्तान लाने के दौरान उन्हें रास्ते में एक पत्रकार मिला जिन्होंने उनसे पूछा कि आपको इस सजा से डर नहीं लगता, तो वीर सावरकर ने हंसते हुए कहा कि मेरे पूरे परिवार को माँ भारती की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। ऐसे वीर दामोदर सावरकर को हमने प्रश्न चिन्हों में कैद किया। अब हम बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसके वजह से आज तक वीर सावरकर प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। उनके नाम सुनते ही हमारे जहन में कई प्रकार के सवाल आते हैं। वो ये है कि आखिर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से माफी क्यों मांगी। तो आपको बता दें कि ये एक राजनीतिक छल था। अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो आप चार दीवारी के अंदर कैद करके नहीं रह सकते, बल्कि दामोदर सावरकर ने कभी किसी भी बात को छुपाया नहीं, ना ही झूठ बोला। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामा लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें अपनी जिंदगी दोबारा से जीने का मौका दिया जाए, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी सावरकर क्या रुके? क्या सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत को अपने ऊपर हावी होने दिया? नहीं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व और हिंदुस्तान, जिसमें लगातार वो अपने क्रांतिकारी मंसूबों, अपने क्रांतिकारी हौसलों का जिक्र करते थे। जहां एक तरफ तमाम नेताओं को, तमाम बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को बड़े बड़े पद मिले, बड़ी बड़ी हुकूमतों रियासतें दी गई, वहीं वीर सावरकर को क्या दिया? हमने दिया महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप। जी, आपको बता दें कि सावरकर के ऊपर महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया गया। महात्मा गांधी की हत्या में जिन 8 लोगों का नाम शामिल हुआ उसमें एक नाम वीर दामोदर सावरकर भी था, लेकिन क्योंकि पुख्ता सबूत और गवाह ना होने की वजह से दामोदर दास सावरकर को बरी कर दिया गया, लेकिन आज तक हमारे मन में आज भी सावरकर के लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। 2014 में एक बार फिर से सावरकर की निंदा की गई, बार बार सावरकर का नाम उछाला गया और कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी ने लगातार सवाल उठाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भारत रत्न देने के लिए सावरकर का नाम भेजा तो उसे पारित नहीं किया गया। वहीं 2014 के दौरान शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद भवन में वीर सावरकर की मूर्ति को प्रणाम किया, उनपे फूल अर्पण किए, तो वहीं उनका पीठ महात्मा गांधी के सामने था, जिस बात का विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। और उन्होंने आज भी तमाम इतिहासों को धूमिल कर एक बार सावरकर के नाम को फिर से प्रश्न चिन्ह में कैद करने की और हमसे हमारे असली हीरो को छीनने की कोशिश की। लेकिन इतिहास गवाह है कि सच प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।